जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है मूल अधिकार। ठीक है, हमें अपने मूल अधिकार के बारे में बात करनी है। अनुच्छेद भाग तीन जो हमारा है अनुच्छेद का, उसके बारे में बात करनी है। हमारा जो संविधान है इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान के निर्माता कौन है, तो हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही शिद्दत के साथ इन्होंने हमारे संविधान को लिखा। आप सोच सकते हैं कि उस समय जिस समय हमें कोई आज़ादी नहीं थी, कोई भी चीज़ मतलब अवेलेबल नहीं हो पाती थी ठीक से, उस समय इन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। और आज भी हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, अर्थात कितनी उनको लिखने में मेहनत लगी होगी और कितना तेज उनका दिमाग रहा होगा जो कि ऐसा किया। इसलिए हम उनको हमारे संविधान लिखने के लिए बहुत सत सत नमन करते हैं। और अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान के भाग तीन यानी अनुच्छेद जो हमारा है 19, अनुच्छेद 19 की हम बात करेंगे। मात्र एक टॉपिक की बात करेंगे और 19 की, बाकी के बारे में आपको आगे वीडियो मिलती रहेगी एक एक करके। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों जो हम बात करेंगे वो अनुच्छेद 19 की, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हमारा अनुच्छेद 19 है। हर एक व्यक्ति के लिए मायने रखता है कि हमें क्या अधिकार मिला है। और जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे किसी के सामने कह नहीं पाते हैं, तो इस चीजों को बाबा साहब ने हमें इसमें दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है। और हमारा अनुच्छेद 19 जो है इसमें हमें कहा जाता है कि ये हमारे मानव बिल्कुल संविधान का जो है ऋण है, संविधान का ऋण माना जाता है इसको, कि ये हमारा ऋण है। यानी ऋण की हड्डी जो होती है, कि हर आदमी के ऋण की हड्डी जो होती है उसी के भरोसे वो चलता है मान के चलिए। तो ठीक उसी प्रकार बाबा साहब ने इसमें हमें ऋण की हड्डी की तरह से दिया है ताकि हम इसमें चल सकें। तो आइए देखिए क्या है ये। सबसे पहले जो हमारा अधिकार है, ये अधिकार कहता है कि अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति का जो मेन अधिकार है वो है अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम अपने बारे में किसी भी चीज को कैसे रखते हैं। तो अभिव्यक्ति के में सबसे पहला हमारा टॉपिक है बोलना, यानी कि हम किसी के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी से अपनी बात को कह सकते हैं, बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो हमें जो भी कहना है हम किसी के सामने उसको कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे अनुच्छेद 19 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि हमें बोलने की समानता है, समानता का अधिकार है कि बोल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन है कि अगर हम किसी को बोल सकते हैं ठीक है, लेकिन बात वो बोले कि किसी भी तीसरे को उस बात से कोई ठेस ना पहुंचे, किसी अलग व्यक्ति को अभद्र व्यवहार से ना करें, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात उसमें एक चीज और है कि हम बोलते तो ठीक है, बोलने का तो अधिकार हमें है, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं, मगर कभी अपने राष्ट्र के प्रति यानी अपने देश के प्रति गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अपने देश के प्रति गलत भाषा नहीं बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें आपको मिलेगा कि अपने देश की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के विरुद्ध हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, कि उस सुरक्षा जो हमारे देश की है उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। पब्लिक, किसी भी पब्लिक को हम गाली फक्कड़ नहीं दे सकते हैं, नहीं जब भी मन में आया जो ही राह चलते जा रहा है हम उसको गाली देने लगे, गरियाने लगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद में इसके लिखा गया है कि एकता और अखंडता का भी ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद मोरल की बात करें यदि, तो देखिए अब क्या है कि मोरल की बात करें, अगर मोरल की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे, यानी हम जो कह रहे हैं और सामने वाले को वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं उसको गलत है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद कोर्ट है, जो हमारा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस कोर्ट के विरुद्ध में हम कुछ नहीं बोल सकते। अब इसके बाद विदेशी संबंध की बात करें, अगर कोई हमारा विदेश से हमारे यहाँ आता है, मान लीजिए कोई भी NRI आता है, मान लीजिए ट्रंप ही आता है, कोई आता है और उसको हम रोड पे बैठ गए, हमें तो बोलने का अधिकार है, बस उसको गाली देना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक, कि मतलब हमें अधिकार है तो हम गाली दें, किसी भी
के साथ ऐसा नहीं व्यवहार कर सकते हैं। इन सात छह चीजों का हमें ध्यान रखना होता है एक साथ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बोलने वाला काम हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि अभिव्यक्ति में अगला हमें अधिकार जो दिया गया है वो क्या है। तो अब अगला वाला है मौन। देखिए मौन की बात करें तो जैसे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो आप कुछ सेकंड के लिए मौन व्रत रखते हैं, सॉरी मौन धारण करते हैं, ठीक है। जो मौन धारण करते हैं यानी कि हम कहते हैं कि हे भगवान इसके लिए उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा और ये सही रूप से हो, तो वो मौन धारण रखने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। आप जब चाहे रख सकते हैं, किसी भी दिक्कत नहीं है, ना ही कोई आपको मना कर सकता है। जैसे अभी आप देखे थे कि पुलवामा वाला जो हमारे यहाँ कांड हुआ था, ठीक है, उसमें भी लोगों ने मौन धारण किया था, तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है। तो ये हो गया हमारा मौन। अब इसके बाद हमारा आता है मीडिया। मीडिया की बात करें तो न्यूज वाले आप तो जानते ही हैं कि जहां कुछ नहीं होता वो मीडिया वाले कितना हवा उड़ा के उसको उड़ाते हैं, ठीक। तो ये हुआ मीडिया। मीडिया किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती है, ये उसको अधिकार है, लेकिन उसको बोलने के साथ साथ उसको भी एक बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे छह ऐसे भी अधिकार हैं जो हमें ये कहते हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन साथ में इसका मद्देनजर रखते हुए कि एकता और अखंडता पर कोई दिक्कत ना हो, यानी अपने राष्ट्र के प्रति कोई गलत बात नहीं बोल सकते, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, कि राष्ट्र के प्रति कुछ गलत नहीं दिखा सकती है, पहली चीज। दूसरी सुरक्षा की बात करें तो मीडिया भी सुरक्षा के विरोध नहीं जा सकती है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पे मान के चलिए हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, और उस सिक्योरिटी को हम किसी को नहीं दिखाते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो गुप्त सिक्योरिटी है वहां पे किसी को आवागमन नहीं होता है, और आप जबरदस्ती कहेंगे नहीं हमें तो अधिकार है हम जाएंगे हमें एंट्री चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए अपनी सुरक्षा जो है। अब उसके बाद पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पे भी मीडिया चाहे कुछ भी करे लेकिन उसका भी ध्यान रखती है कि कैसे क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन छह बातों का मीडिया को भी ध्यान रखना होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तो इसमें से अखंड अभद्र ना हो, ठीक है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना हो, किसी के गलत उपयोग ना दिखाया जाए, ये मीडिया को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मीडिया हो गया, अब मीडिया के बाद हमारा आता है अगला पुतला, यानी किसी का भी पुतला फूंकना। जैसे मान लीजिए कोई नेता, मंत्री, विधायक, चाहे जो भी हो, हमें वो पसंद नहीं है तो हम उसका पुतला फूंकते हैं। अच्छा ये बताइए पुतला क्यों फूंकते हैं? पुतला ये फूंकते हैं कि इसलिए, इससे ये सिद्ध होता है कि हम उस व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अर्थात उसके कारनामे जो भी उसका काम है उससे हम सहमत नहीं है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कार्य किया हो हमारी नज़र में गलत है और उसके कार्य से हम सहमत नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका पुतला फूंकते हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री का फूंकिए, चाहे आप मुख्यमंत्री का फूंकिए, या फिर किसी विधायक का फूंकिए, किसी का भी फूंकिए, लेकिन उससे आप सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पुतला ही फूंक रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं ना कि उनको हम जान से मार रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, इसलिए पुतला आप किसी का भी फूंक सकते हैं, लेकिन पुतला फूंकने से बस एक चीज जायज हो जाती है कि आप उनके कारनामों से, उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं है, आप उनका विरोध कर रहे हैं, इस कंडीशन में आप पुतला फूंक सकते हैं, वो किसी का भी हो, ठीक। ये कंडीशन हो गई इस चीज का। अब इसके बाद झंडा की बात आती है। अगला हमारा झंडा है। देखिए झंडा क्या होता है, झंडा हम कब लहराते हैं अपने देश का, बहुत खुशी हमें होती है। जैसे मान के चलिए इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट हो रहा है, आपकी टीम इंडिया हमारी जीत गई, जैसे हमारी टीम जीत गई तो हमारे अंदर इतनी खुशी आती है, इतना जोश भर जाता है कि हम झंडा लहराने लगते हैं, तो हम झंडा क्या कर सकते हैं, लहरा सकते हैं, वो खुशी हमारी है, उस खुशी के कारण हम झंडा क्या कर सकते हैं, लहरा सकते हैं, तो चाहे हम कहीं पर भी हो अपना झंडा लहरा सकते हैं। अब देखिए अगले इसके बाद आता है आर टी आई। देखिए अगला क्या आता है, आर टी आई जो होता है इसका पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सही इंफॉर्मेशन, सही जगह देने, मतलब सही बात बोलने की तरीका, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत हम बोल सकते हैं, इसका गठन जो है 2005 में किया गया था, सन 2005 में इसको लागू किया गया हमारा आर टी आई को।
तो ये 5 से 6 टॉपिक हमारे एक में थे, केवल अभिव्यक्ति वाले में थे कि इतना टॉपिक था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इन सभी के साथ साथ हम अपने इन 6 बातों का भी ध्यान रखेंगे कि एकता और अखंडता का भी ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कुछ भी बोलते हैं लेकिन साथ में देश के प्रति कभी गलत बात नहीं बोल सकते हैं, अपने देश के सिक्योरिटी के प्रति यानी जो हमारी सुरक्षा है उसके प्रति कभी गलत और अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं, पब्लिक के प्रति भी कुछ गलत नहीं हो, ठीक है। मोरल यानी किसी की कोई ऐसी बात ना बोले जिसके से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, किसी के भाव को ठेस पहुंचे। और कोर्ट है, और विदेशी यानी कोई विदेशी आता है तो कोई मतलब हम उसको गाली पकड़ दें, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे देश में आ गया तो हम उसको खूब गरिया के भगा दिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है भाई, हमें अगर अगर हमें आज़ादी मिली है तो कुछ पाबंदी भी है, तो दोनों चीज़ों का दोनों बातों का दोस्तों हम क्या रखते हैं बिल्कुल बखूबी ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद से अगर हम अगले टॉपिक पे चलें, ये हमारा टॉपिक क्लियर होगा अभिव्यक्ति का कि हमें क्या क्या आज़ादी मिली है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं देखिए सभा की। अच्छा देखिए, जब हम बोलने बात करने की, आप अपने आसपास भी दे सकते हैं कि जो व्यक्ति बोल बतिया लेता है, इधर उधर कोई भी कार्य कर लगता है तो वो कहीं ना कहीं सभा में भाग लेता है। सभा का मतलब हुआ जहां 10-5 लोग बैठ जाएं, ठीक है, जहां 10-5 लोग बैठे और उसको कोई संबोधित करे, वो हो गई एक हमारी सभा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो जब बोलने और बतियाने में आगे निपुण होता है तो एक सभा बटोरता है। सभा बटोरने का मतलब 10-20 लोगों को बटोर लेता है। तो आप उस चीज़ के लिए भी अगर आप सभा कर रहे हैं तो इन 6 बातों का ध्यान देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस सभा में आप राष्ट्र के प्रति अभद्र बातें बोलें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा जो है उसके बारे में कुछ गलत बात बोलें, ऐसा भी उस सभा में नहीं कर सकते हैं। ये चीज हो गया। दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा कोर्ट है या हमारी सुरक्षा है उसी के सामने हम बैठ जाएंगे, कहें नहीं हम हटपा ना करेंगे, ये हमारी सभा यहीं पे करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज हो गया, ये सभा हो गई। जब सभा आप कई बार कर लेते हैं, जैसे लोग होते हैं एक बार दो बार तीन बार जब सभा कर लेते हैं तो कहते हैं ठीक है अब तो इससे काम नहीं चलेगा, अब इससे आगे चलना है। और सभी की सोच ये होती है कि जब थोड़ा सा करने के बाद हम उसके आगे जाने का प्रयास करते हैं, तो उसका अगला स्टेप जो होगा हमारा इसके बाद संगठन यानी यूनिटी बनाना। हम 10-20 लोगों की टीम बनाते हैं क्या, और उस टीम के तहत अपना कार्य करना शुरू करते हैं। देखिए जैसे टीम बनाना कि हम किसी का भी टीम बना सकते हैं 10-20, लेकिन उस टीम को कभी भी आप अपने देश के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज की भी अथॉरिटी है, ठीक है। अगर देश के विरुद्ध जाते हैं तो वहीं पे आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपके आपका जो मौलिक अधिकार है इसको नहीं माना जाएगा, इस मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, ठीक। ये चीज होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप खूब बढ़िया संगठन बनाए, चलिए बहने देशों को उड़ाने का प्रावधान रच दिए, ठीक है, नक्सलाइडों को ले आके आप अपना जो है कि बना रहे हैं कि हमें तो अधिकार है संगठन बनाने का, तो हम चलिए एक अलग से अपनी टीम बनाते हैं और देश के विरुद्ध हमला करना शुरू, कहीं यहाँ बमबारी कहीं वहाँ बमबारी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको नहीं है। तो ये हो गया हमारा संगठन। अब देखिए संगठन के बाद जो हमारा आता है 4 नंबर, इतना सारी चीज़ें करने के बाद हमारी इच्छा होती है कहीं ना कहीं क्या करने की, संचरण यानी घूमने की। जब हम घूमने की बात करें तो हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, किसी भी जगह जाके घूम सकते हैं, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सोचिए कि आपका घूमने का मन किया कश्मीर के बॉर्डर पे ही चले गए, ठीक, अब वो जहाँ वहाँ फायरिंग हो रही है आप कहिए कर्नल साहब आप हटिए तो नहीं हम घूम लें देख लें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर अपनी सुरक्षा के अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हमारी सुरक्षा है उसके आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि नहीं बॉर्डर पे लगे हुए सैनिकों को तनी हटिए हम घूम लें कि यहाँ से ऐसे कहा है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा, ठीक। ये चीज़ें संरक्षण करना यानी आप घूम लिए, जहाँ चाहे पूरे देश में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है, निवास करना। मान लीजिए घूमते 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 आप पूरा भ्रमण किए, आपको कोई जगह ऐसी लग गई जहाँ अच्छा लगे कि हाँ हमें यहाँ रहना चाहिए, यहाँ हम रह सकते हैं, यहाँ हम निवास कर सकते हैं, और सारी चीज़ें वहाँ का वातावरण आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ निवास कर सकते हैं, और निवास जब कर सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले जो था हम पूरे देश में निवास कर सकते थे, मात्र एक ऐसी जगह थी जहाँ हम निवास नहीं कर सकते थे, वो था हमारा जम्मू कश्मीर। अब वहाँ से भी ये चीज़ें हटा दी गई है कि आप वहाँ पर भी जाके निवास कर सकते हैं, कोई पाबंदी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप कहीं पे भी जाके क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं।
अब इसके बाद अगला जब आता है तो संपत्ति का अधिकार। देखिए इस संपत्ति के अधिकार को हमारे इस मौलिक अधिकार में से खत्म कर दिया गया है, और इसको खत्म इसलिए किया गया है कि ये कभी कभी बीच में बड़ा हमें डिस्टर्ब कर देता था। जैसे क्या होता है कि कोई भी संपत्ति हुई, मान लीजिए हमारे पुरखों की संपत्ति, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, और उसमें कोई भी सरकारी कार्य हो रहा है तो हम जब चाहेंगे तब रोक देते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे का पटरी बिछ रहा है, ठीक, या एयरपोर्ट बन रहा है, अगर एयरपोर्ट ही मान लीजिए बन रहा है, सरकारी संपत्ति है, एयरपोर्ट ही बन रहा है, और अगल बगल के सभी लोगों ने अपनी जमीन दे दिया, बीच में कहीं आपकी एक बिसा दो बिसा या जितना भी आता है आपका देना, हम ना दे, ये हमारे बाप दादा का जमीन है, पुरखों पुरनिया का जमीन है, वो उनकर निशानी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। क्यों? इसी कारण से अगर आपसे वो जोर जबरदस्ती करते थे तो आप सीधे कोर्ट चले जाते थे, ठीक है, तो हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, आप किसी कोर्ट में जाते थे तो वहाँ पे भी आपको बोलने की अथॉरिटी नहीं मिल पाती थी कि आप संपत्ति के अधिकार का आनंद नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे भी कोर्ट जो है आपके ही पक्ष में फैसला देता था। इसलिए इस चीज़ को भी यहाँ से हटाया गया कि संपत्ति का अधिकार जो है आपका खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ये संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया, लेकिन इस ये ऐसा नहीं खत्म किया गया है कि आपका पड़ोसी चाहे तो आपकी संपत्ति हड़प ले, ऐसा नहीं। सरकार चाहेगी उसे सरकारी कामकाज के लिए अगर आवश्यकता है तो वो आपकी संपत्ति को ले सकती है, आप उस पर कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते। ये वाला 6 नंबर था, और जो कि इसका अधिकार आप ही खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद से जब संपत्ति हो गई, संपत्ति के बाद की बात करें तो जब आपके पास धन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर चुके, अब बताइए आपको खाना पीना है तो कुछ ना कुछ निवास करना पड़ेगा, यानी व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार का मतलब कोई ना कोई बिजनेस यदि आप करते हैं तो आप आगे सक्सेस होंगे, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, चाहे आप सब्जी बेचिए या फिर किराना का दुकान करिए या जो चाहे मोदी जी की तरह से चाय बेचने का बिजनेस किए, कुछ भी करिए, लेकिन आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इसकी पूरी पूरी अथॉरिटी आपको है। ये हमारा अनुच्छेद 19 जो है आर्टिकल में है, ठीक है, अनुच्छेद 19 के सातवें आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप चाहें तो अपनी। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी अगली नई वीडियो लाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।